भर में मनाया जा रहा दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हिसार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया योगाभ्यास। 170 से अधिक देशों में हो रहा योगाभ्यास। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर फरीदाबाद के टाउन पार्क में योगाभ्यास। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। दीप प्रज्वलित कर योग की शुरुआत। हरियाणा भवन नई दिल्ली में सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने की पीसी। जल संकट को लेकर बोले अभय सिंह यादव, आप पर साधा निशाना। हरियाणा के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी। लोगों को कुछ हद तक मिली गर्मी से राहत। हीट वेव के चलते घरों में रहने को मजबूर थे लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। आज दुनिया भर में दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा। योग न केवल इंसान को सेहतमंद रखता है बल्कि मन को भी शांत रखने का काम करता है। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और साथ ही आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योगाभ्यास किया। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, मुख्यमंत्रियों और साथ ही गणमान्य नागरिकों ने देश भर के अलग अलग स्थानों पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। सेना के जवानों से लेकर स्कूली बच्चों तक ने योग किया है। आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिसार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर योग किया है। कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और साथ ही मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग के साथ आज 200 से भी ज्यादा देश जुड़े हैं। योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ है जिससे हम खुशहाल होते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, दरअसल ये तस्वीरें हिसार से हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और योग किया है। इस दौरान आपको बताते चलें कि डिप्टी स्पीकर मंत्री भी उपस्थित रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग के साथ आज 200 से भी ज्यादा देश जो हैं वो जुड़े हैं और इस बार की योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। दरअसल योग जो है वो सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए है। आपको बताते चलें कि सीएम सैनी ने योग किया है और योग से जुड़ी बातें जो हैं वो जनता तक पहुंचाई और योग को प्रेरित करने का काम भी सीएम सैनी ने किया है। आपको बताते चलें कि लगातार योग दिवस मनाया जा रहा। समस्त देशवासियों की भांति आज हरियाणा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा और इसका मुख्य कार्यक्रम हिसार में रखा गया जहां पर सीएम भी पहुंचे थे। और इस कार्यक्रम में हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय यानी कि GGU में होना था लेकिन मौसम को देखते हुए प्रशासन ने इनका स्थान बदलकर फ्लेमिंगो टूरिस्ट रिजॉर्ट का कन्वेंशन हॉल पर कर दिया। दरअसल गुरुवार को बारिश के कारण योग दिवस कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित ग्राउंड पूरी तरह से गीला हो चुका था। यहां पर बिछाए गए मैट भी भीग गए थे और मंच भी पूरी तरह से गीला हो गया था। इस वजह से इस कार्यक्रम की जगह जो है वो बदल दी गई। योग दिवस का थीम इस बार योग स्वयं एवं समाज के लिए रखा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से ओपी शर्मा और पलवल से प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं, तो दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज योग दिवस है जिसको लेकर हिसार में कार्यक्रम भी रखा गया जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और लोगों को जागरूक भी किया योग के प्रति। साथ ही आपसे मेरा सवाल है ओपी शर्मा जी कि लगातार योग के प्रति जो है वो लोगों को प्रेरित करने का काम किया जा रहा, तो क्या नजारा देखने को मिल रहा? आज विश्व योग दिवस है और साल 2017 में सबसे पहले इसकी जो है शुरुआत विधिवत तौर पर की गई। इससे पहले योग जो है कुछ सिलेक्टिव ही था लेकिन 2017 में जब इसको यूएनओ ने भी जो इसको मान्यता दी तो इसको विश्व योग दिवस के तौर पर जो है मनाना शुरू किया गया और उसके बाद लगातार ये योग डे जो है मनाया जा रहा है। कोरोना काल के अंदर भी जो है वो एक
पार्शली जो है वो योग दिवस मनाया गया था। कोरोना कोविड के जो एसओपी थे उनको ध्यान में रखते हुए जो है मनाया गया था, और इस बार की थीम ने की योग खुद के लिए और समाज को निरोगी रखने के लिए जो है योग को कहीं ना कहीं बढ़ावा जो है देना है। और अगर मैं हरियाणा की कहूँ तो हरियाणा में ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर तक जो है वो योग जो है शिविरों का जो है पूरी तरीके से आयोजन किया जा रहा है। सरकार के सभी मंत्री विधायक और बीजेपी के बड़े जितने नेता है, विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से जो है योग जो है वो आज किया गया है। और मुख्य आयोजन आज हिसार में किया गया था, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो है वो शिरकत की। वहीं अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जो है कार्यक्रम में शिरकत की है। अगर यमुनानगर की बात करें तो कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने जो है शिरकत की। इसके अलावा सभी मंत्रियों की जो है वो अलग अलग जिलों में जो है ड्यूटियां लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सबको निरोग रहना और योग करना इसका एक मकसद है। भागा इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज आदमी भी हेल्थ की बीमारियों से जो है वो सामना कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर आदमी योग को अपने जीवन में अपनाए तो एक हद तक जो है वो कहीं ना कहीं उन बीमारियों से जो है छुटकारा पा सकता है। और इसको लेकर हरियाणा सरकार भी योग को प्रमोट करने की दिशा में काफी काम कर रही है। गांव में व्यायामशालाएं खोली जा रही, करीबन 1200 के आसपास जो व्यायामशालाएं खोली गई हैं। और एक वक्त होता था जब पार्कों में सिलेक्टिव लोग ही जो योग करने आते थे, लेकिन अगर अब आप सुबह जाते हो तो एक अच्छी भीड़ अमूमन आमतौर पर हर पार्क में योग करने वालों की जो है वो दिख सकती है। जी प्रवीण जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, लेकिन लगातार 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो आज मनाया जा रहा, तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो क्या कुछ नजारा है? अंकिता, सबसे पहले हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को योग दिवस की पावन शुभकामनाएं, क्योंकि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो भारत देश की उपलब्धि कहलाई जाएगी, क्योंकि भारत देश की ओर से ये सार्थक पहल करी गई थी कि जो योग की प्रक्रिया है, योग सभी के लिए जरूरी है। उसको लेकर योग का प्रचार करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब ये प्रस्ताव रखा गया था, तब जाके यूएन की ओर से मान्यता दी गई। और मान्यता देने के बाद आज हम बड़ी खुशी से कह सकते हैं कि हम पूरे विश्व में जो अपनी जो योग की प्रक्रिया है, योग जो हमारे देश की देन है, एक जिसे कहते हैं कि ऋषि मुनि महर्षि पतंजलि की जो देन है, ये सब उनकी देन की वजह से आज पूरे विश्व में जो आज हमारा जो देश का नाम हो रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाई जाएगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि योग जो आज बेहद जरूरी है, योग सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चा है, वृद्ध है, या नौजवान है, किशोर है, चाहे महिला है, चाहे कोई भी है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। क्योंकि योग नहीं करते हैं तो कहना कहीं हम तमाम बीमारियों से हम ग्रस्त रहते हैं। हम बीमारियों को दूर भगाने के लिए अब तो आप कहीं भी चले जाएंगे, डॉक्टर भी ये सलाह देने लगे हैं कि आप सुबह शाम नित नियम से सैर करें, रोजाना योग को अपनाएं, योग से ही आपके शरीर की जो बीमारियां हैं वो तमाम दूर होंगी। इसके साथ साथ आज की दवाइयां भी चलेंगी, तो योग को आज सब जगह प्राथमिकता दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी अब ये चाह रही है कि स्कूलों में, कॉलेज में जो तमाम जो बच्चे हैं, इन सभी को पूरी तरह से योग के बारे में जानकारी दीजिए। तो योग आज की तारीख में जो है पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व में लोग अब योग को करने लगे हैं, जहां योग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बात सिर्फ एक जो जिम वगैरह हो करते थे, जिम में जाकर विदेशों में जिम में लोग जाके एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे उनको योग के बारे में जानकारी मिली है, वो वहां के विदेश के लोग भी अब लगातार रोजाना सुबह शाम अक्सर आप टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि वो भी लोग योग को अपनाने लगे हैं। क्योंकि योग आने वाले समय के लिए आपको सबसे पहले याद होगा कि कोरोना संकट में तमाम कितने भयंकर वो हमने मंजर देखा है, उसमें भी लोगों को बार बार सलाह दी जाती थी कि अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, आपको शरीर में ताकत लानी है, तो आपको घर पर रहकर, छत पर रहकर, पार्क में रहकर, जहां भी मौका मिलता है डिस्टेंस रखकर तो आपको योग करना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने उस समय समझा था कि ये योग क्या चीज है और योग से कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो उसको लेकर आज बड़ा खुशी के दिन है कि हम पूरे विश्व में तो पताका फहरा चुके हैं, और उसके साथ साथ आज हम 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऋषि मुनि जब अपने तप किया करते थे तो दूर दराज हिमालय के पर्वत को, वो भी जो 200 या लंबी आयु जो उन्हें दी है, तो वो योग के माध्यम से उन्हें अपने शरीर को योग की विद्या से अपने को साध कर रखा। तो योग तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसको लेकर आज फलों जिले में
हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री आज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी है और उन्होंने योग के माध्यम से तमाम जितने भी सैकड़ों की संख्या में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज लोग जो वहां पर योग करने के लिए आए थे, योग में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए आए थे, तमाम प्रशासन भी मौजूद था। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें तमाम सामाजिक संस्थाएं और स्कूल हालांकि बंद है लेकिन उनके स्कूलों के बच्चे भी वहां मौजूद थे। ये बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र था कि छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर योग कर रहे थे और योग के माध्यम से उन्होंने बताया कि आज से अगर हम योग शुरू करेंगे तो कहीं जाके आने वाले सालों में जो हम योग करते रहेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे, क्योंकि लगातार पर्यावरण खराब हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते लोगों को बार बार चेताया जा रहा है कि पर्यावरण से बचाव कीजिए, पर्यावरण को बचा लीजिए, लेकिन उस पर लोग ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उसका खामियाजा कहने से इंसान को भुगतना होगा। तो उसके लिए अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी काय रखनी है, तो योग करना बेहद जरूरी है। जी आनंद जी साहब, बिल्कुल, जैसा कि सभी ने सुना दर्शकों ने कि लगातार योग करना कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो योग करने से दूर होती हैं। ओपी, मेरा सवाल आपसे है कि अगर हम बात की जाए हिसार की, तो उसके पहले जो सीएम का कार्यक्रम रखा गया था वहां पर बारिश के चलते ग्राउंड गीला हो गया, जिसके बाद में इसका जो डेस्टिनेशन है वो चेंज किया गया है डेस्टिनेशन, तो कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है ओपी? अक्सर जो है वो जो हमारा जो 21 जून का जो मतलब विश्व योग दिवस का जो आयोजन होता है उस वक्त हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा पंजाब राजस्थान की बात करें तो उत्तर की बात करें पश्चिमी यूपी तक की बात करें तो प्री मानसून का एक सीजन होता है, वहीं बाकी देश के हिस्सों में जो है वो हिस्सों में मानसून पहुंच चुका होता है, तो ऐसे में बारिश एक सामान्य सी बात है। और बारिश को लेकर जो है वो मतलब एक बी प्लान हमेशा ही कहीं ना कहीं प्रशासन तैयार कर देता है। मुझे आज भी याद है कि जब 2015 में पहला तो हिसार के अंदर मनाया गया था तब भी जो है झमाझम बारिश हुई थी, लेकिन बारिश के बीच में भी जो है योग डे मनाया गया था, क्योंकि योग को लेकर बारिश की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, बारिश हुई है, अच्छी बात है, लोगों को लंबे समय से हिसार वासियों को गर्मी से जो है परेशान थे, तापमान 47 से 50 डिग्री के बीच में जो है वो वेरिएट कर रहा था, तो ठीक है, लेकिन जो है वो जगह बदल दी गई। जी प्रवीण आहूजा जी, मेरा सवाल आपसे है कि लगातार बारिश से लोगों को भी काफी राहत मिली है गर्मी से, तो वहीं अगर योग की अगर बात की जाए तो योग से 200 से भी ज्यादा देश जुड़े हैं। सीएम ने भी बहुत ज्यादा तारीफ की, उन्होंने कहा कि 21 जून से हमने 2015 से इसकी कार्यक्रम की शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके बाद अब लगातार जो देश है वो लगातार योग से जुड़ रहे हैं। अंकिता, सच कहें तो योग एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आप देख लीजिए कि जो भी योग से जुड़ता चला जा रहा है उसकी जितनी बीमारियां वो अक्सर दूर होती जा रही हैं। और देश के प्रधानमंत्री को तो देखो आज जो है जम्मू कश्मीर से तमाम एक संदेश भी दिया है, लोगों को जागरूक भी किया है कि कहीं भी रहकर चाहे वह समुद्र के तट के किनारे हैं, चाहे आसमान में है या कहीं धरती पर है, तो भी आप योग कर सकते हैं। योग का कोई पैसा नहीं लगता, योग तो लेकिन आपको समय चाहिए, आपने लगन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है योग में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, आप मैक्सिमम अगर एक घंटा योग को दे सकते हैं तो उसका जो लाभ मिलता है वो शारीरिक रूप से वो आपको ही मिलता है। तो उसको लेकर तमाम जो योगाचार्य हैं वो भी लगातार लोगों को जागरूक भी करते हैं, बार बार कहने नुक्कड़ सभाओं से लोगों को बताते भी हैं कि योग बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए कि 2015 से जब इस योग को विश्व योग दिवस की मान्यता मिली थी, आज लगभग जैसे कि आपने बताया कि 200 देश इसके साथ जुड़े हैं। आप कल्पना कीजिए 200 देश में कितने लोग होंगे, अगर वो रूटीन में अगर रोजाना योग करते होंगे तो भारत के लोग तो करते ही हैं, भारत के लोगों को तो पूरी जानकारी मिल गई है क्योंकि हमारा देश जो कृषि प्रधान है और सबसे बड़ी ऋषि मुनि का देश है और उसमें तो ये योग की प्रथा तो शुरू से चली आ रही है। तो हमारे देश के जो लोग हैं वो प्राथमिकता देते हैं, वहां को वो कमी नहीं छोड़ते। भारत देश ने हमेशा ऐसी चीजों को संजो के रखा है, चाहे वो योग हो चाहे हमारे जो कोई भी ऐसी चीज हो, हमेशा इतिहास को बनाने का काम किया। तो सबसे बड़ी बात है कि 200 देश अगर योग के साथ जुड़ते हैं तो आप कल्पना कीजिए तो लोग कैसे स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि योग जो है वो एक धन जुटाने का साधन नहीं है, योग शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रखने का साधन है। वाकई में चमत्कार है अगर आप लगातार एक महीना भी योग प्रक्रिया करते हैं, योग की साधना करते हैं, तो स्वाभाविक है आपको खुद को शरीर में बदलाव आएगा और उसी बदलाव के चलते ही तो विदेशों में योग को अपनाया गया, नहीं तो वो भी तो जिम में बंद कमरे में वातानुकूलित अपने कमरों में एक्सरसाइज करते थे, दो दो तीन तीन घंटे प्रोटीन किया करते थे, लेकिन तब भी उनमें सुधार नहीं था, अक्सर वो बीमार में रहते थे। लेकिन हमारे भारत देश के जो युवा हैं या जो भी लोग हैं हमारे देश के नागरिक हैं
वो जब योग करते हैं तो लगन से करते हैं, जो साधना को अपना कर सकते हैं, और जो साधना के रूप में करता है स्वाभाविक है वो कभी बीमार नहीं हो सकता। अगर कोई बीमारी है तो उसको भी पूरे उस हर तरह के योग प्रक्रिया है, योग के तरीके बताए गए कि आपको कौन सी बीमारी में कौन सा योग करना है, कैसे करना है, कितने मिनट करना है, कितने मिनट सांस देनी है, तो तमाम प्रक्रिया है उसको अपनाना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप किसी गुरु से योग की साधक नहीं, योग की प्रक्रिया नहीं सीखेंगे, आपको योग योग भी नहीं करता। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको जगह जगह योग को इतनी मान्यता दी जा रही है कि आप गली में, नुक्कड़ में, तमाम कहने के अगर छोटे मोटे प्लाट है, पार्क है, आप अक्सर देख सकते हैं सुबह से लेकर सुबह भी और शाम को तमाम बुजुर्ग और नौजवान जो कैसे भी लोग हैं, चाहे वो चल नहीं पा रहे मजबूर भी, उसके बावजूद भी उनका यही प्रयास रहता है कि योग को करें। योग करने से ही शरीर स्वस्थ रहेगा और तमाम बीमारियां दूर होगी। तो उसके लिए योग जरूरी है। और सबसे बड़ी बात आपने बताया कि 200 देश बहुत बड़ी बात है, और वो भी एक हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा इतिहास रचा है, तो इस इतिहास को हमें बचाना भी बहुत जरूरी है। जी अंकिता जी, ओपी मेरा सवाल आपसे है। ओपी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार योग दिवस मनाया जा रहा है और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, तो इसी बीच में अगर बात की जाए योग दिवस की, तो पार्कों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, लगातार योग दिवस की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखा रहे हैं, तो अभी का क्या नजारा है आपसे ये भी जानना चाहेंगे। और योग आज किया जा रहा है, फिलहाल तो लोग कर रहे हैं, तो अगर अलग दिन की अगर भी बात की जाए तो कैसा नजारा पार्कों में देखने को मिलता है? बात करें तो फिलहाल पार्क जो है एक तरह से सुनसान है, लोग अपने घरों में जा चुके। तो जो योग का जो समय होता है वो करीबन 8 बजे तक का होता है, उसके बाद जो लोग अपने घरों में जो चले जाते हैं। और जहाँ तक योग डे की बात है तो आज ज्यादातर लोगों को जो है वो अपने इलाके में जो एक सरकारी जो कार्यक्रम का आयोजन था उसका जो है वो कहीं ना कहीं वो मिला हुआ था, इन्विटेशन मिला हुआ, तो वहां पर ज्यादा लोग थे। हालांकि जो बुजुर्ग से जो नहीं पहुंच पाए वो अपने रूटीन की तरह वहीं पर जो रहकर जो है उन्होंने अपना योग किया है। जी प्रवीण आहूजा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि लगातार योग दिवस मनाया जा रहा, तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कौन से मौसम में योग सबसे ज्यादा सही तरीका है करने का, क्योंकि जो शुरुआत करना चाहते हैं वो कब से करें और कैसे करें? अंकिता, इसमें देखिए तो मौसम या कोई समय नहीं देखा जाता, लेकिन ये जरूरी है आप जितना जल्द सुबह उठते हैं तो उसके अपने प्रातःकालीन जो आप सबसे पहले अपने जितने सैर कर सकते हैं सैर करें। फिर आप जहां आपको जगह मिलती है, आप पार्क हो या स्थानीय कुछ जगह हो जहां आपको लग सकता है कि आप एक घंटा आप व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, वही रूटीन अगर आप शाम को बनाते हैं तो उसका दोहरा लाभ आप ही को मिलता है। ये नहीं कि आप योग कर रहे हैं तो उसका लाभ किसी को मिलेगा, और परिवार के साथ आप कीजिए। स्वाभाविक है कि आप एक घंटे के अंदर आप अपने शरीर के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से बदलाव पाएंगे। और बदलाव आप देख लीजिए, देश के सैनिक जो हमारे पूरे देश की रक्षा करते हैं वो पूरी तरह से तटस्थ है। आप देख लीजिए जो बर्फ वाले क्षेत्र में जब रहते हैं वो उसके बावजूद भी वो, और जहाँ रेतीला मैदान है वहां भी एक जुनून है जोश है, क्योंकि ये सच है कि योग एक चमत्कार है। आप उन सैनिकों से सीख लीजिए, क्योंकि वो सैनिक बर्फ में भी रहकर, और सबसे बड़ी बात है लगातार वो योग कर रहे हैं। ये नहीं कि वो योग दिवस के लिए आज के ही दिन वो योग कर रहे हैं, आप उनको क्योंकि स्वस्थ रहना है, क्योंकि बर्फ का स्थान ऐसा है जहां पर सांस लेना भी भारी पड़ जाता है, खून तक जम जाता है, बहुत माइनस चला जाता है। वहां के सैनिकों से आप समझ लीजिए कि वो भी किस तरह से पूरे जुनून और लगन के साथ अपना जो वहां पर योग करते हैं, और उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमें तो इसके लिए कोई मौसम नहीं देखना चाहिए, योग तो आप 12 महीने कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ बीमारियां हैं जैसे शुगर है या बीपी की बीमारियां, तो स्वाभाविक है आप डॉक्टरी चिकित्सक जांच जरूर कराइए, और ये नहीं कि आप शुरू से ही आप उसको स्पीड बढ़ाकर काम करेंगे, लेकिन इसके भी नियम है और नियमों के तहत आपको योग करना होगा। एक दिन से शुरुआत करेंगे आप, 15 मिनट कीजिए, फिर 20 मिनट कीजिए, उससे अगले दिन 25 मिनट कीजिए, तो समय का पीरियड आपको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना होगा। बढ़ाने के साथ साथ आपको योग की जो क्रिया है वो भी आपको बढ़ानी होगी। एक ही दिन में आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि आप योग में जब योग साधना कर लेंगे तो आपको खुद लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ आपके परिवार को भी लाभ मिलेगा। ये जरूरी है कि आज के डेट में योग सभी के लिए जरूरी है और योग करना भी चाहिए। जी प्रवीण, जैसा कि इस बार योग दिवस की थीम भी रखी गई है स्वयं एवं समाज के लिए योग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो थीम है इसके लिए भी काफी सरकार ने काफी अच्छा प्रयास किया है और लोगों ने माना भी है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि थीम होनी भी जरूरी है, और योग को आज आप जो सबसे बड़ी चीज देखने लायक थी कि तमाम आज पूरे जो सुबह रेस्ट हाउस में अपने इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में
इतनी भीड़ थी कि लोग अगर आसपास सड़कों पे भी जो दीवार की बाउंड्री पे भी खड़े थे, सड़क की ग्राउंड की बाउंड्री के पास भी खड़े थे, तो वहां भी लोग खड़े खड़े कुछ ना कुछ हाथ में चला रहे थे। ये मैं बहुत अच्छा एक मैसेज आ रहा था, लोग देख रहे थे इस चीज को। जी प्रवीण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर योग करते हैं तो योग का असर कब तक दिखना शुरू हो जाता है? अंकिता, मैं पहले बता चुका हूँ, योग कोई एक दिन के साधना से नहीं हो पाएगा। इसमें थोड़ा सा समय जो है, आप कम से कम एक महीना निरंतर इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो स्वाभाविक है उसके बाद बिल्कुल आपको आपके रिजल्ट सामने आने लग जाता है, और उसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं बदलाव नजर आएंगे, और जो कई प्रकार की बीमारियां वो तो धीरे धीरे सब दूर होने चली जाती हैं। लेकिन आपको निरंतर योग करना होगा, उसके लिए नहीं कि आपने एक सप्ताह किया तो बीच में छोड़ दिया, आपको महसूस हुआ कि मैं ठीक हूं तो मैं छोड़ दूं, तो वो बिल्कुल गलत होगा। इसके लिए आपको खुद स्वयं प्रयास करने होंगे, निरंतर इस योग को अपनाना होगा। जी, रोजाना योग करना चाहिए। ये भी जानना चाहेंगे कि मॉडर्न और बिजी लाइफ स्टाइल के दौरान योग करने का लोगों को समय नहीं मिल पाता, तो उसके लिए वो किस तरीके की चीजें अपनाएं कि योग भी हो जाए? अंकिता, जो योगाचार्य को कहना है कि अगर आप जो असल में सबसे बड़ी बात है, बहुत बिजी लाइफ है, लोगों के पास समय नहीं है, लोग योग के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, लोग ना घर पे कर पाते, तो उनका ये भी कि आप चाहे अपने ऑफिस में जैसे भी आपको समय लगता है थोड़ा बहुत, तो आप उसमें निरंतर प्रयास करके रहें कि कहीं ना थोड़ा थोड़ा तो अपने हाथ पैर को चलाते रहें, जिससे आपको सुकून भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक राहत भी मिलेगी। लेकिन ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन जहां भी आपको मौका मिलता है सीखें और उसके साथ ये जरूर करें। जी अंकिता जी, अगर योग की बात की जाए तो खाली पेट या फिर कुछ खाकर योग करें तो कौन सा तरीका ज्यादा सही है करने का? अंकिता, इसमें सबसे पहले बता देते हैं ना कि कभी भी आप भरे पेट कोई योगा ना करें, ना तो दोपहर के भोजन के बाद तो बिल्कुल भी ना करें, शाम को जो समय पूर्वक आप भोजन कर लीजिए, सुबह खाली पेट सबसे पहले सैर जरूर करें। जितना अच्छा चलेंगे, जितना लंबा चलेंगे वो आपको ही सुख मिलेगा। उसके बाद जहाँ आते हैं तो एक आसन बिछा कर आप योग को अपने योग करें, और योग की अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो कहीं एक सप्ताह या 15 दिन, एक महीना कहीं भी आप ट्रेनिंग जरूर लें। बिना ट्रेनिंग के योग भी कई बार नुकसान दे जाता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती कि आपको योग शुरुआत में क्या है, बीच में क्या है, और आपने समापन में कौन सा योग करना है, कितना आपने आराम करना है, कितना सांस रोकना है, तो ये तमाम चीजें हैं। जब तक आप कहीं से सीख कर नहीं आएंगे तो आप योग की प्रक्रिया को अपना भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आप सुबह खाली पेट जरूर रहेंगे और दोपहर को तो बिल्कुल योग न करें, हाँ लेकिन शाम को समय पूर्वक भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप पैर पर रहें, उसके बाद फिर आप योग करेंगे तो उसका दोहरा लाभ आपको लाभ मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। जी अंकिता जी, जैसा प्रवीण आपने बताया कि लगातार जो लोग हैं वो पार्कों में जाकर योग करते हैं, खुले आसमान के नीचे योग करने से जुड़े, लेकिन अगर बात की जाए कुछ लोगों की तो वो एसी में भी बैठकर बंद कमरे में योग करते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अंकिता, ये बिल्कुल गलत है कि आप बंद कमरे में एसी में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि एसी अगर चल रहा है तो वो आपके लिए हृदय के लिए शरीर के लिए अन्य कहने के बीमारी उत्पन्न करेगा और कहने के दिमागी तौर पे भी आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि शरीर के लिए खुली हवा जरूरी है, क्योंकि शरीर से पसीने निकलने बहुत जरूरी है। अगर आप बातों में खुली अगर आप योग करते हैं वो आपके लिए घातक होगा और आपको बीमारियां बन जाएंगी, आप स्वस्थ नहीं होंगे, आप अस्वस्थ रहेंगे और आपको लगातार बीमारियों से गिरते चले जाएंगे और उसके सीधा सा नुकसान आपके शरीर को होगा। आने वाले टाइम में आपको ऑर्थोराइट की बीमारियां भी होंगी, कई और बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है, तो इससे बचने के लिए आप खुले में करें, पार्क में करें, घर की छत पर करें, या जहां भी आपको लगता है कि अच्छा वातावरण है, पेड़ पौधे, तो वहां जाकर जरूर करें, लेकिन बंद कमरे में आप इस तरह के योग न करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। जी अंकिता जी, प्रवीण आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगातार योग दिवस मनाया जा रहा है जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आपने भी बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो योग से लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़े योग से, और जिन्होंने कभी योग नहीं किया है तो वो कैसे शुरुआत करें? अंकिता, योग के लिए देखिए सबसे पहली बात है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं आसपास कोई ना कोई योग का मेडिटेशन सेंटर होगा, योगा सेंटर होगा, या कहने के स्कूलों में खास करके बच्चों को ज्यादा जानकारी होती है, स्कूलों में योगाचार्य होते हैं, ये तमाम सेंटर बनाए हैं और सरकार ने तो जो योगाचार्य नियुक्ति भी करी है, तो आप कहीं ना कहीं उनसे संपर्क करें और समय लें और समय पूर्वक वहां पर खाली पेट जाएं और योग की प्रक्रिया को अपनाएं, क्योंकि योग जो है वो आपको खाली पेट जरूर करना होगा। लेकिन ये जरूरी है कि जब तक आप पूरी तरह से सीख के सक्षम नहीं हो जाते हैं आप योग ना करें, वो अलग बात है कि आप रोजाना सैर तो करते हैं वो जरूरी है, लेकिन बिना आप ज्ञान लिए आपको नुकसान होगा, तो उससे बचाव के लिए आपको कहना कहीं किसी आसपास क्षेत्र में जहाँ मेडिटेशन सेंटर या योगा सेंटर हो
वहाँ चाहे आप 15 दिन के लिए योग सीख कर आए, उसके बाद आप इस क्रिया को घर पर भी कर सकते हैं, अपने पार्क में भी कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी होगा। आप सीख जाते हैं तो अपने परिवार को भी सिखाइए, परिवार के साथ साथ आप होले होले धीरे धीरे आप अपने आसपास क्षेत्रों में लोगों को भी योग के बारे में जानकारी दे सकते हैं, तो स्वाभाविक आप भी स्वस्थ रहेंगे तो पूरा देश भी स्वस्थ रहेगा। जी अंकिता जी, प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि लगातार योग दिवस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, पूरे देश भर में योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।